गुड इवनिंग वाह क्रिकेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और आज की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भले ही खत्म हो गई हो लेकिन रद्द हुए पांचवें टेस्ट मैच से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। ये विवाद अब ICC तक पहुंच गया है क्योंकि ECB ने ये मांग की है कि अब ICC इस बात का फैसला करे कि इस सीरीज का फाइनल रिजल्ट क्या होगा। अगर BCCI इस मैच को फोरफीट करने से मना करती है तो ECB को 400 करोड़ का भारी नुकसान होगा जिसे मैच इंश्योरेंस में भी कवर नहीं किया जा सकता। तो इस मामले में निर्णय अब ICC की ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ही करने वाली है। लेकिन अब याद रखिए इस विवाद का सीधा असर कहां नजर आएगा। एक हफ्ते में शुरू होने वाली है IPL, उसके सेकंड लेग में इस विवाद का असर नजर आ रहा है। इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों ने पहले ही अपना नाम UAE लेग से वापस ले लिया है और अब ECB ने वहां वार किया है जहां BCCI को सबसे ज्यादा दर्द होगा। जी हां, इंग्लैंड के लगभग 9 खिलाड़ी IPL के नॉकआउट स्टेजेस में भी नजर नहीं आएंगे क्योंकि उसी समय ECB ने पाकिस्तान के खिलाफ एक T20 सीरीज खेलने की घोषणा कर दी है। तो इसका यह मतलब हुआ कि इंग्लैंड टीम को पाकिस्तान में 14 और 15 अक्टूबर को 2 T20 के मुकाबले खेलने हैं और ऐसे में खिलाड़ियों को 9 अक्टूबर तक अपने देश वापस पहुंचना होगा। यानी कि वर्ल्ड कप में खेलने वाले 10 में से 9 इंग्लिश खिलाड़ी IPL से हट जाएंगे, वो भी नॉकआउट स्टेजेस से ठीक पहले। तो इसका नुकसान सीधा BCCI को होगा और ये जो विवाद उठा है पांचवा टेस्ट मैच रद्द करने से सीरीज का, अब उसका निर्णय जो है ICC ही लेगी। IPL से जुड़ी बाकी खबरें और आने वाले वर्ल्ड कप से जुड़ी बाकी खबरें, साथ ही खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है आपको दिखाते हैं अपनी टॉप 20 स्पोर्ट्स स्टोरीज। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर 15 सितंबर तक भारत रवाना हो सकते हैं, बशर्ते इससे पहले उनकी RT-PCR की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आ जाए। शास्त्री ओवल में चौथे टेस्ट के दौरान COVID-19 जांच में पॉजिटिव आए थे जिसके बाद से वो 4 सितंबर से क्वारंटीन में है। शास्त्री के संपर्क में आने के बाद पॉजिटिव पाए गए अन्य सपोर्ट स्टाफ भी क्वारंटीन में है। T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा के वनडे और T20 के कप्तान बनने की चर्चा शुरू हो गई है। विराट कोहली बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए T20 और वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंप सकते हैं। BCCI सूत्रों के हवाले से खबर है कि वर्ल्ड कप के बाद कोहली कप्तानी छोड़कर अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करेंगे। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान बट ने कहा कि टीम इंडिया की सफलता में विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में इस समय उनकी कप्तानी को लेकर बहस करने का मतलब है कि उनके आसपास गंदी राजनीति हो रही है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी ECB ने ICC से हस्तक्षेप की मांग की है। भारत के खिलाफ रद्द हुए पांचवें टेस्ट मैच के समाधान के लिए ECB ने ICC को चिट्ठी लिखी है। विवाद समाधान समिति फैसला ले सकती है। जेम्स एंडरसन ने मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने को शर्मनाक बताया। खाली स्टेडियम की तस्वीर शेयर कर लिखा, इस गर्मी के सीजन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का ऐसा अंत वाकई शर्मनाक है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि रद्द हुआ मैनचेस्टर टेस्ट किसी समय दोबारा खेला जाएगा और मुझे उम्मीद है कि अपने घरेलू मैदान पर एक और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने को मिलेगा जो मुझे बहुत पसंद है। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ी मैनचेस्टर में कोरोना की वजह से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में खेलने से मना कर दिया। लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोरोना से संक्रमित हुए फिजियो योगेश परमार खिलाड़ियों के नजदीक थे, वो लगातार उनके साथ काम कर रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। रूट ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रनों का अंबार लगाया था, उन्होंने सीरीज में 3 शतक जड़े थे। PCB के नए चेयरमैन रमीज राजा ने बड़ा ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के कोच होंगे मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर। T20 वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर बनाए जाने पर भारत के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने BCCI पर सवाल उठाए हैं। जडेजा ने पूछा कि पहले तो ऐसा नहीं था, फिर रातों रात टीम को मेंटोर की क्या जरूरत पड़ गई। IPL का दूसरा लेग शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की चिंता बढ़ गई है। टीम के ओपनर फैफ डुप्लेसी चोटिल हो गए हैं। फैफ डुप्लेसी को कैरेबियन प्रीमियर लीग के दौरान चोट लगी, उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आया है। दिल्ली कैपिटल्स ने क्रिस वोक्स के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बेन वार्ष्वी को IPL 2021 के लिए टीम में शामिल किया है। बेन वार्ष्वी किंग्स 11 पंजाब का हिस्सा रह चुके हैं लेकिन उनको IPL में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था। IPL 2021 के लिए सचिन तेंदुलकर UAE पहुंच गए हैं। बेटे अर्जुन को ट्रेनिंग देते नजर आएंगे। सचिन टीम के आइकॉन खिलाड़ी हैं। ये IPL में पहली बार होगा जब सचिन अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर को खेल की बारीकियां समझाते नजर आएंगे।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। हालांकि अब इसको रिकवर कर लिया गया है। आरसीबी ने ट्विटर के जरिए ही इसकी जानकारी दी और हैक होने के बाद किए गए ट्वीट के लिए फैन से माफी भी मांगी। आईपीएल 2021 से पहले कायरोन पोलार्ड ने तूफानी पारी खेली। सीपीएल 2021 में सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियस और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच मैच में पोलार्ड ने 22 गेंदों में 51 रन ठोक दिए। करीब 232 की स्ट्राइक रेट से खेली पारी में पोलार्ड के बल्ले से 5 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। कप्तानी पारी खेलते हुए ट्रिनबागो की टीम को पॉइंट्स टैली में भी टॉप पर पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। आज आयरलैंड के खिलाफ वो आखिरी वनडे खेल रहे हैं। इस मैच से पहले तक तीनों फॉर्मेट में मिलाकर उन्होंने 9,931 रन बनाए हैं। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में महिला क्रिकेटर माइवा डूमा ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। अपने और टीम के पहले इंटरनेशनल T20 मैच में उन्होंने युगांडा की 4 खिलाड़ियों को मार्कडिंग से आउट किया। हालांकि उनकी टीम ये मुकाबला हार गई। तंजानिया की महिला टीम ने T20 में इतिहास रचा। 2 बार 200 से ज्यादा रन से T20 मैच जीतने वाली पहली महिला टीम बनी। वर्ल्ड क्वालिफायर में मोजाम्बिक को 200 रन से हराया। भारत के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट्स में से एक जेपी आत्रे टूर्नामेंट के फाइनल में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ने रैन स्टार क्रिकेट क्लब दिल्ली को 75 रनों से हरा दिया। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण एबीपी न्यूज ने वाक क्रिकेट के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे किया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के गोल्डन ग्रैंड स्लैम का सपना टूट गया। यूएस ओपन के फाइनल में रूस के मेदवेदेव ने सर्बिया के जोकोविच को सीधे सेटों में 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। नोवाक जोकोविच ने गुस्से में अपना रैकेट तोड़ दिया। यूएस ओपन के फाइनल के हार के बाद जोकोविच रोते हुए भी दिखे। जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने से भी चूक गए। फेडरर, नदाल और जोकोविच तीनों के 20-20 खिताब हैं। चलिए एक बार फिर से आने वाले T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं और इस वक्त सुर्खियों में है कैप्टन कोहली। विराट कोहली पर सबकी नजरें रहेंगी ये देखने के लिए कि क्या वो अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को कोई ICC ट्रॉफी जिता पाएंगे या नहीं। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ सकते हैं। 33 दिन बाद शुरू होने वाला है क्रिकेट का सबसे बड़ा घमासान और इस घमासान में विराट कोहली के करियर का होगा सबसे बड़ा इम्तिहान। 17 अक्टूबर से दुबई में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है जिससे पहले विराट कोहली IPL के दूसरे लेग में खेलने के लिए दुबई पहुंच गए हैं। IPL खत्म होने के एक दिन बाद ही वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा। विराट कोहली के लिए IPL और T20 वर्ल्ड कप में बल्लेबाज से ज्यादा बतौर कप्तान बड़ा टेस्ट रहने वाला है और वो इसलिए क्योंकि अभी तक बतौर कप्तान विराट कोहली ने ना ही IPL का खिताब जीता है और ना ही ICC के किसी बड़े टूर्नामेंट पर कब्जा किया है। 2016 IPL में विराट की टीम RCB रनर अप रही थी। उनकी टीम 3 बार प्लेऑफ में भी पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 2017 में विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान से हार गई। 2019 में वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया। 2021 में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों टीम इंडिया को करारी हार मिली। यही वजह है अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में विराट की कप्तानी का बहुत बड़ा टेस्ट होगा। अगर वो इस टेस्ट में नाकाम रहते हैं तो फिर BCCI और चयनकर्ता हर फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान के चयन पर विचार कर सकते हैं। रिपोर्ट्स तो अभी से आनी शुरू हो गई है कि BCCI वर्ल्ड कप के बाद अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान बनाने के लिए विचार कर रहा है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। खबरें तो ये भी है कि विराट कोहली बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान देने के लिए वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ सकते हैं। ये मत देखिए कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप नहीं जिता पाते तो उनकी कप्तानी बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, वो बहुत डिफरेंट फैक्ट है। और मेरे लिए पहले इसको एंजॉय करिए, इसको इस पे फोकस करिए। T20 वर्ल्ड कप के पास जो भी होगा वो देखा जाएगा। क्या क्रिकेट सही खेल रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग सही है, उसके बावजूद भी आप जीते या ना जीते वो एक अलग बात होती है। टीम अच्छी है और ये भी नहीं कहना चाहिए कि रोहित बाहर बैठे हैं, जब उनका टाइम आएगा आएगा। पर बड़ा सवाल ये है कि अगर विराट सचमुच कप्तानी छोड़ते हैं या उनसे कप्तानी छोड़ने के लिए कहा जाता है तो T20 और वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी संभालेगा कौन। रोहित शर्मा ये भार संभालने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने विराट के बाद मौजूदा टीम में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। रही बात कप्तानी की तो IPL में जिस कप्तान ने मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया है वो रोहित टीम इंडिया को भी चला सकते हैं। रोहित ने मुंबई इंडियंस को 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में चैंपियन बनाया है। रोहित की कप्तानी में टाइटल्स की बहार, वहीं विराट की ट्रॉफी की कैबिनेट खाली है। मुझे लगता है कि ये तीनों फॉर्मेट की कप्तानी जो उनके पास है
इससे हटना होगा उन्हें, क्योंकि 24/7 365 आप कप्तान हैं, आप तरह तरह की फॉर्मेट्स में आपको कॉम्बिनेशन बनाना है टीम मैनेजमेंट के साथ, आपको आगे देखना है फोरसाइट आपकी कैसे है, वो प्रेशर भी आता है और जब फिर आपको अपनी गेम संभालनी है तो मुझे लगता नहीं ये रीज़न है, पर मुझे लगता है कि एक समय आ चुका है विराट के करियर में कि आपको फोकस करना है अपनी बैटिंग पे। आप अगर तीनों फॉर्मेट में जम रहे हैं खेल रहे हैं खेलिए, पर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी संभालना भी ये मुसीबत की बात है, और टाइम समय आ गया है कि इंडियन टीम में अलग फॉर्मेट के अलग कप्तान होने चाहिए। विराट कोहली की कप्तानी की स्टाइल ये भी है कि उन्होंने टीम को हमेशा ही अपने हिसाब से चलाया है, और कोचिंग टीम में भी उनको वही चाहिए जो विराट कोहली की सोच के साथ चले। पूर्व कोच अनिल कुंबले के साथ उनके अनबन की कहानी किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज क्रिकेटर बतौर कोच टीम के साथ जुड़ने से बचते रहे हैं। हालांकि T20 वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी टीम के साथ बतौर मेंटर जुड़ गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या दो वर्ल्ड कप जीत चुके धोनी विराट के करियर में नया ट्विस्ट लाएंगे। आज क्रिकेट जगत में चर्चा गर्म है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ सकते हैं। हालांकि BCCI ने इस खबर का खंडन किया है, और BCCI ट्रेजरर अरुण धूमल ने ABP न्यूज से कहा कि ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। विराट कोहली के साथ कप्तानी छोड़ने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, ये कहना है आधिकारिक तौर पर BCCI का वर्ल्ड कप के बाद विराट की कप्तानी छोड़ने की खबर का खंडन सामने आया है। सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती के पास। कुंतल, क्या कहना है BCCI का इस खबर को लेकर? देखिए, मैंने बात किया था अरुण धूमल से, और उनका कहना है कि ये कि कोई बात नहीं हुई है इस मुद्दे पर विराट कोहली से, और ना ही इससे पहले इसको लेकर कोई मीटिंग हुई है BCCI के जो आला अधिकारी हैं उनमें, तो ये खबर का उन्होंने खंडन किया है। हालांकि ये भी देखना है, इससे पहले जब विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच में अनबन हुई थी 3-4 साल पहले, तभी भी BCCI ने उस खबर का भी खंडन किया था, और कई बार ऐसा हुआ है जब इस तरह के हॉट कोई टॉपिक सामने आए हैं तब BCCI ने खंडन ही किया। तो ये अब देखना है कि सच क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए BCCI ने बता दिया कि ये खबर जो है बेबुनियाद है। तो फिलहाल के लिए BCCI के लिए सेफ स्ट्रैटेजी है इस खबर का खंडन कर देना। कुंतल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।